हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं गाइस आप लोग लिए एसेंचर की तरफ से जो कि ऑफर लेटर्स की रिसीव्ड हुए हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट के पास में। अभी रिसेंटली में जस्ट एक वन वीक अगो हो गया होगा, पीछे हो गया होगा, तो उसके पहले आप लोग के ऑफर लेटर रिसीव्ड हुए होंगे काफ़ी लोगों। तो ऑफर लेटर में मैंशन भी हुआ था कि ऑफर लेटर कब तक वैलिड है, कुछ दिनों के लिए ही वैलिड, नहीं तो उसके बाद में आपका ऑफर लेटर जो कि टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को क्या क्या तैयार करने लेने चाहिए पहले, जिससे कि आप लोगों के पास ऑफर लेटर की मेल आए उससे पहले आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग आराम से वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, तो आप कोई भी चांस नहीं होगा ऑफर लेटर का टर्मिनेशन का। तो इसलिए गाइस मैं आप इस वीडियो में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा गाइस, तभी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ, दिखाता हूँ आप लोगों को ड्यूरिंग दिस अफर्मेशन पीरियड व्हेन द एसेंचर ऑफर इज अंडर द रिव्यू नॉट एट एक्सेप्टेड एसेंचर रिजर्व द राइट टू रिवोक एंड रिसेंट द ऑफर बाय प्रोवाइडिंग अ रीजन इन राइटिंग फॉर सच रिवोकेशन ऑफ रिसेंडिंग द ऑफर। यू हैव एनी क्वेरी अबाउट प्रोसेस प्लीज रिफर टू द अटैच जॉब एड डॉक्यूमेंट। देखिए ये बोला गया इन्होंने सीधे कि कोई भी एक पीरियड के टाइम पर अगर एसेंचर ने आप लोगों को ऑफर लेटर शेयर किया है और आप लोगों ने ऑफर लेटर एक्सेप्टेड नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन के अंदर कोई भी, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का जो कि एसेंचर के पास रिजर्व हैं जो राइट हैं, जो राइट्स हैं टर्म्स एंड कंडीशन के अप्लाई होती है जो भी राइट है, तो वो लोग रिवोक कर सकते हैं आपका ऑफर, जो भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर और डेट लिमिट के अंदर आप लोगों को ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है गाइस। अगर आप लोग उसमें लेट हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं तो आप लोगों का ऑफर लेटर है कैंसिल हो जाएगा। डेट भी काफ़ी लोगों ने रिसेंटली में अभी देखा जाए 2-3 दिन पहले 24th को किसी के पास ऑफर लेटर रिसीव्ड हुआ, तभी मैं आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो उसके ऑफर लेटर में मेंशन था कि कितने दिन तक आप लोगों को ऑफर लेटर रिसीव करना है कि नहीं करना है। तो गाइस ये देखिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन से आप जस्ट 24th देखना होगा, आपने 24th यू विल बी डायरेक्ट टू द प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पेज में जाना होगा, वहाँ पे क्लिक ऑन ऑफर लेटर, ऑफर लेटर जहाँ पर आपने आया हो, कैंडिडेट आईडी, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना होगा आप लोगों को, क्लिक ऑन ऑथेंटिकेशन ऑफर लेटर, ठीक है। ओटीपी आएगा आप लोगों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, ठीक। ऑफर लेटर एंड टर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी लिस्टेड अलॉन्ग विद द अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यू मे डाउनलोड द प्रिंट। तो ये देखिए रिक्वेस्ट यू टू वेरीफाई द डिटेल इन द ऑफर लेटर रिलीज ऑन 3 मार्च, देखिए 24 मार्च 2023 को डिसीजन बाय क्लिकिंग द ऑफर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफर विद इन 7 डेज फ्रॉम द रिसीविंग टू द ऑफर पोस्ट विद द लिंक विद दिस डिसेबल्ड। देखिए ये बोला गया जिन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ पे क्या करना है, ऑफर लेटर पे जाके क्लिक करना है, डिटेल में कैंडिडेट आईडी डालनी है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आप लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो आप लोगों का ओटीपी आएगा, ओटीपी आप लोगों को सबमिट करना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद में जो कि ऑफर लेटर की टर्म्स हैं जो कि लिस्टेड होगी वहाँ पर, वहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वहाँ पर, डॉक्यूमेंट आप लोग अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा कि 10th की मार्कशीट 12th दिया होगा वहाँ पर, पैन कार्ड होगा आप लोगों का, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग पहले से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग के पास नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में भी अगर प्रॉब्लम होती है तो रिवोक हो सकता है आपका ऑफर लेटर, वहाँ से कैंसिल भी हो सकता है। तो ये गाइस सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग। बात करते हैं डेट की, कितने दिन तक आप लोग का होगा रिक्वेस्ट टू वेरीफाई। ये देखिए 4 तारीख तक आप लोगों का डिसीजन, जैसे कि 24 तारीख को आया था यहाँ पर, और आप लोगों को 7 दिन के अंदर आप लोगों का 1 वीक का टाइम दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है, दोनों में से कोई भी एक ऑफर होगा वहाँ पे क्लिक का ऑप्शन होगा, एक एक्सेप्ट ऑफर का होगा, एक रिजेक्ट ऑफर का होगा, जो कि 7 दिन के अंदर आप लोगों को भेजना है, उसकी इन्फॉर्मेशन रिवर्ट बैक करना है, ठीक है, कंपनी को कि आप लोगों ने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। तो ये गाइस आपकी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना अगर कर सकते हो, और भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।